पेशावर में ड्रग रूल्स 2017 के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई। शहर में तमाम अद्वियात की मार्केटें और दुकानें बंद रही, जिसकी वजह से अद्वियात नायाब हो गई और मरीज रुलकर रह गए। मेरे से हम दवाई की फिर रहे, वही नहीं मिल रही, सारी दुकान बंद है। और अभी मेरे लिए मुझे जो है ना ऑपरेशन का सामान लिखा हुआ है और ऑपरेशन का सामान नहीं मिल रहा के पास नहीं है। और जो इसकी मेन और चीज़ें हैं, इंजेक्शन वगैरह और दवाई, वो हमें नहीं मिल रही। मेरा बच्चा अगर मर गया तो मैं अपने आप को भी जला दूंगा। और ये केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मंडी में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। बाद हजार मुजाहरीन ने खैर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने जी टी रोड को भी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहरीन का कहना था कि नए ड्रग्स रूल के जरिए इनका माशी कत्ल किया जा रहा है और इनकी दुकानों पर बेजा छापे मारे जा रहे हैं। चतराल में देखे तो जिला चतराल में सिर्फ एक फार्मासिस्ट है पूरे जिला चतराल में, तो क्या पूरा जिला चतराल एक फार्मेसी कंट्रोल कर लेगा? तो हमारे ये मुतालबा है कि हमारा फार्मेसी सी बहाल किया जाए। जी टी रोड की बंदिश के बाद गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। फकीराबाद, गुलबहार, चरसदा रोड और अंदरून शहर जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक हो गए। इस तरह कड़े गैस भी, सीएनजी गैस भी नहीं और लोगों को बहुत मुश्किल आती है, सारे रास्ते बंद है। जल्द अज जल्द कोई मसले का हल करे। हम दो घंटे से इसी रोड पे खड़े हुए हैं, इंतजामिया का कोई बंदा नहीं आ रहा। इसके साथ मरीज हैं, इमरजेंसी काम होते हैं तो वो क्या करेंगे? ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा रहे हैं, डॉक्टर के पास पहुँचना है और जाने के लिए कोई रास्ता भी, सारे रास्ते बंद। मुजाहिरीन की जानिब से शहर पर तशद्दुद भी किया गया। पुलिस के साथ मुजाकरात के बाद मुजाहिरीन ने दो घंटे की बंदिश के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। कैमरामैन अज़ीज़ुल्लाह के साथ मुस्तफा अब्दुल्ला, दुनिया न्यूज़, पेशावर।